सीपीआई बसव कल्याण आपको और एक बार गुजारिश करता हूँ कि कोरोना बीमारी बहुत बड़ी तरफ से सबको प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज और एक बार सब काउंसलर साहब को मीटिंग लिया था और सब काउंसलर साहब आके मीटिंग में बैठ के हमने ये डिसीजंस लिए हैं। पहली बात, सब लोग किसको ज़रूरी है वो लोग 10 बजे तक आके सिर्फ रेशन, पानी, मिल्क, पेट्रोल ये छोड़ के बाकी का दुकान बंद रहना, वो भी 10 बजे तक चालू रहना, 10 बजे तक ये सब लेना। सिर्फ पानी और मिल्क और मेडिसिन 24/7 चालू रहते हैं। इसका अगर किसी को भी है तो नियरेस्ट मेडिकल शॉप को लेके जाके लेना है। अगर कौन भी 10 बजे के ऊपर अगर फिरे तो उनका मोटरसाइकिल, उनका फोर व्हीलर, उनका कौन सा भी गाड़ी है हम सीज करते हैं। अभी सब काउंसलर साहब बोलने के बाद दूसरी बार हम इस ये दूसरी बार जो हमने 150 गाड़ी के ऊपर हम पकड़े थे इसको हम फाइन डाल के छोड़ रहे, लेकिन अगली बार किसी का भी गाड़ी हम 7 तारीख तक नहीं छोड़ते। इसीलिए कौन भी पुलिस स्टेशन को 7 तारीख तक अगर गाड़ी पकड़े तो कौन भी नहीं आना है। और मैं काउंसलर साहब सब बोले हैं कि उनका एरिया का एरिया में वो जाके सबको इसके बारे में बोलना है, और 10 बजे के ऊपर उनका एरिया में कौन सा भी दुकान है तो उसको बंद करवा के लोगों को एजुकेट करा के उनको बाहर नहीं फिरना और गाड़ी लेके बाहर नहीं फिरना। अगर ज़रूरी काम के लिए उनको आने के लिए हमारा कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी को भी माँ बहन को किसी को भी प्रॉब्लम है वो गाड़ी लेके 24/7 बाहर आके उनका मरीज़ को दिखाने हॉस्पिटल को लेके जाने के लिए कोई एतराज़ नहीं है। इसको छोड़ के 10 बजे के ऊपर कौन भी मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कौन सा भी गाड़ी लेके मत आइए, अगर आए तो हम पकड़ते हैं। अभी मैंने देखा है कि बच्चे लोग सब लोग उधर ग्राउंड में आके खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज से अगर कौन भी खेल रहे तो उनको हम पकड़ के उनके ऊपर हम केस करते हैं। इसीलिए कौन भी नहीं खेलना है इसकी, अगर आपको वॉकिंग करना है तो वॉकिंग करिए, लेकिन अकेला कौन भी मिलजुल के जाना नहीं है। और मेहरबान करके वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें भी अभी इतना काम करने के बाद भी अगर हमको कुछ नहीं हुआ है तो वो वैक्सीन का जिम्मेदार है। इसीलिए सब लोग वैक्सीनेशन पहली लो। अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए तो अभी आपको मालूम है वो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, फंगस का डिसीजेस आ रहा है, वो सब सिर्फ हाई स्टीरॉयड लेने से हो रहे हैं। इसीलिए मेहरबान करके मैं सब माँ बहन को पूछता हूँ, मेहरबान करके अच्छा डॉक्टर जो MBBS पढ़ा है, जो BAMS पढ़ा है, उनके पास जाइए। RMP डॉक्टर, क्वैक डॉक्टर के पास मत जाइए। वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको हाई डोज का इंजेक्शन दे रहे हैं, इसके इस बात से आपको कौन सा भी डिसीज आ सकता। इसलिए मेहरबान करके वैक्सीनेशन ले लिए और अच्छा MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर, जो कर्नाटक स्टेट से रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनके पास जाके आपका इलाज करवाइए। थैंक यू।